हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इम्बाइव क्लास इलेवन ट्वेल्थ मैं हूं आपका बैलेज एजुकेटर सलमान अनवर खान सो स्टूडेंट्स हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मतलब छोटा सा चैप्टर है इजी चैप्टर है अगर ढंग से पढ़ा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी पढ़ जाता है ये चैप्टर ठीक है

ठीक है तो हम आज उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पहले मैं आपको एमबाइब ऐप आप के बारे में बता दूं बच्चों देखो हमारे पास एक एम ऐप है उसको डाउनलोड करना इस पर आपको क्या मिलेंगे बच्चों वेरियस सेशन मिलने वाले हैं आपको क्या मिलने वाले हैं बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिलने वाली हैं जिसमें आपको क्या होगा बच्चों आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी क्या कर सकते हो बच्चों प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है तो लेट्स गो हेड एंड स्टार्ट अवर टूडे सेशन विद दिस पर्टिकुलर पार्ट तो आज हमें क्या पढ़ना है ठीक है आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों वी आर गोइंग टू स्टडी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था बच्चों वी हैव स्टडीड की

ठीक है तो सबको पता है भाई वॉट इज द बेसिक साइट लीफ के अंदर में होती है क्या लीफ में या ग्रीन पार्ट में इट अकर्स इन द इंटायर ग्रीन पार्ट ठीक है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या होती है बच्चों आपकी टेक्स प्लेस चलो अब हम इसी को आगे इलेबोरेट करते हैं आज की क्लास में बहुत सारी चीजें हमें कवर अप करनी है तो लेट्स गो हेट एंड स्टार्ट अवर टू तो हमने लास्ट क्लास में देखिए बच्चों हमने यही देखा था कि प्लांट फोटोसेंथेस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज बाई यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये बेसिक चीजें जाननी थी फिर हमने जोसेफ प्रेसले के एक्सपेरिमेंट जूलियस सैच एंजलमेन मतलब आपका एंगिन हाउस कई सारे एक्सपेरिमेंट्स बैक टू बैक पढ़े थे ताकि हम अच्छे से इसको समझ सके फोटोसिंथेसिस के बारे में ठीक है तो आज हमें शुरुआत करनी है किचन से किचन ऑफ द हाउस ऑफ द हाउस में क्या होता है हाउस में क्या होता है ठीक है किचन ऑफ द हाउस तो उसी तरीके से प्लांट के अंदर में भी किचन है यस द किचन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज वॉट क्लोरो प्लास्ट ठीक है आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा वट इज द किचन ऑफ द प्लांट किचन ऑफ द प्लांट है क्या क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरो के अंदर ही एक लीफ के मिजोफिल टिश्यू के अंदर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसी के अंदर में क्या होता है बच्चे आपका फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ठीक है वहीं पर क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस की प्रतिक्रिया होती है प्लांट है बच्चों कितने खूबसूरत से प्लांट है ये ठीक है ये जो पत्तियां है ये जो लीवस है इसी के अंदर में क्या होता है बच्चों आपका फोटोसिंथसिस की प्रोसेस होती है बाई यूटिलाइजिंग द सनलाइट एंड वॉटर अब वही चीज यहां पर लिखी है द फोटो टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ तो आपके सामने ये एक लीफ तो ये एक लीफ में जो हरा कलर आता है ना बच्चे ये जो ग्रीन कलर जो आ रहा है आपके लीफ में कितनी खूबसूरत सी लीफ है इसके अंदर जो ग्रीन कलर आ रहा है इसकी एक ही वजह है वजह क्या है बच्चे फोटो वो आपका क्लोरोप्लास्ट ठीक है द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज बीन फॉर्म बाय अ पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ठीक है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से होता है क्लोरोफिल पिगमेंट कहां प्रेजेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट बच्चे क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है पिगमेंट क्या होता है बच्चों पिगमेंट का मतलब क्या होता है कलर ठीक है पिगमेंट का मतलब क्या है कलर प्रोवाइड करना कलर देना ठीक है सिंपल एज दैट ठीक है तो लेट्स सी क्लिक टू सी द लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट चलो हम देख लेते हैं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट सो लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखें तो प्रेजेंट अलोंग द वॉल्स ऑफ द मिजोफिल सेल ठीक है म्यूजोफल सेल के वॉल्स के सराउंडिंग प्रेजेंट होता है द मिजोफल सेल्स इन द लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका एक लीव का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस इज़ हाउ अ प्रेजेंट। तो अगर मैं थोड़ा सा इसका करूं, करूं, तो in तो अपर सरफेस क्या, क्या होता है आपका क्यूटिकल है ठीक है लेट्स सपोज ये क्या है बच्चे आपका क्यूटिकल प्रेजेंट है ये क्या है बच्चे आपका लोअर एपिडर्मिस सॉरी ऊपर की तरफ है तो अपर एपिडर्मिस होगा ये, दिस इज अपर एपिडर्मिस, ठीक है अब ये देख सकते हैं बच्चों लॉन्ग लॉन्ग टिश्यूज प्रेजेंट ठीक है जो लॉन्ग लंबी लंबी टिश्यूज है इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों आपका पैला साइड टिश्यू बुलाते हैं ये इस टिश्यू को हम क्या नाम देते हैं बच्चों पैला साइड टिश्यू दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज वैला पैलासाइट टिश्यू पहला साइड टिश्यू के साथ आप ये देख सकते हैं बच्चों गोल गोल टिश्यूज प्रेजेंट है ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है दिस इज वॉट कॉल्ड स्पॉन्जी पेरेंट का इसको हम बुलाते हैं स्पॉन्जी पेरेंट और सराउंडिंग में ये क्या है बच्चों इनका वैस्कुलर टिश्यू है जिससे क्या होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है ठीक है दिस इज टिश्यू और साथ में ये जो लोअर सर्फेस पे प्रेजेंट होगा इसको हम क्या बुलाएंगे लोअर एपिडर्मिस और इसी लोअर एपिडर्मिस के साथ क्या होता है बच्चे आपका गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा प्रेजेंट होता है इस तरीके से क्या होते हैं बच्चों इनके साथ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे यहाँ पे छोटा सा दे रखा है उन्होंने तो कई सारे क्या होते हैं बच्चों गाज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वाटर वो आपका वो आ, वाटर का लॉस हो रहा है एयर का मूवमेंट हो रहा है नो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पे नो दीज टू टिश्यू टुगेदर स्पॉन्जी पेरेंटमा एंड पैलासाइड टिश्यू इन टुगेदर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए किन दोनों को स्पॉन्जी पेरेंकाइमा एंड पैलासाइट टिश्यू इन दोनों को हम क्या बुलाते हैं बच्चों म्यूजिफल टिश्यू जो अब तब से हम नाम ले रहे हैं ना म्यूजोफिल टिश्यू म्यूजोफिल टिश्यू तो इसी को हम क्या बुलाते हैं मिजोफिल टिश्यू ठीक है व्हाट इज इज अ टिश्यू 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 ये है हमारा द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पॉन्जी पेर एंड पैलासाइट टिश्यू और इसी के अंदर में क्या है ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो ये जो पौधा का जो ग्रीन कलर होता है द प्लांट्स ग्रीन कलर इज बीन फॉर्मड बाय द क्लोरोप्लास्ट व्हाट इज द एग्जैक्ट साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट वी कैन से म्यूजोफिल टिश्यू अब आपको पता चल चुका है म्यूजोफिल सेल क्या है ट इज अजोफिल टिश्यू ना बहुत ईजिली आपने देख लिया म्यूजोफिल टिश्यू होता क्या है तो यह है बच्चे आपका एक क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ ये क्या है बच्चे आपका गात सेल है ठीक है दिस इज नथिंग बट द गात सेल ठीक है ये हो गया बच्चों आपका गात सेल तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका एक क्लोरोप्लास्ट की लोकेशन होती क्लियर है

अब जैसे कि आपने सिक्के कई बार ये होता है ना जब हमारे पास कई सारा पैसा होता है तो मतलब जब हम गुल्लक तोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कई सारे सिक्के हो जाते हैं तो पता नहीं क्यों ये सबकी आदत है मेरी खुद की नहीं मुझे पता है आप लोग की भी होगी आप के उपर, सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्का रखते हो रखते हो कि नहीं बताएंगे कमेंट सेगमेंट में रखते हो कि नहीं मतलब जब भी आप अपनी गुल्लक तोड़ते हो तो यह सबकी आदत है चाहे वो अमीर हो गरीब हो चाहे जो हो ठीक है मेरे ख्याल से सब कोई करता होगा वो सिक्के के ऊपर सिक्का लगाता वो एक इमारत बनाना चाहता है किसकी कॉइन्स की तो उसी तरीके से जैसे हम इमारत बना रहे हैं हम एक क्या कर रहे हैं बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं किससे सिक्कों से तो हम क्या कर रहे हैं एक, क्यूपर एक, एक, क्यूपर एक सिक्का रख रहे हैं. इसी को हम क्या, हैं? पाइल. इसी को हम क्या हैं? बच्चों, पाइल बुलाते हैं so, यहां पे भी वही चीज हो रही एक के ऊपर एक क्या है थैलाक् रखा हुआ है एक के ऊपर एक क्या है द पाइल? ऑफ थैलाक्ट इज कॉल सिंपल एज है Now, उस पाइल को विद विद स्टैक्स ओवर ईच अदर टू अ ग्रैनम ठीक है ग्रैनम क्या है एक के ऊपर एक थैलाकोइड रखा हुआ वन ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन इनके ऑन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट ठीक है थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर में क्या होता है आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है ठीक है ग्राना सिंगल वो सिंगुलर फॉर्म प्लूरल एंड सिंगुलर होता है और इंटरकनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लैमेला तो बच्चों ये जो ग्राना है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ये जो ग्राना है आप देख सकते हो एक यूनिट एक दूसरे यूनिट से कनेक्टेड है बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड एज व्हाट

किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है 70s राइबोसोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ हुम किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ये होती है प्रोकैरियोट्स की यस ठीक है प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है 70s यूनिट का होता है ठीक है उसके अंदर में भी क्या है बच्चों आपका ये आपका क्या होता है कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है तभी

हमने क्लास थ में पढ़ा है दो स्टेप्स इन लाइट रिएक्शन इनफैक्ट फोटोसेंथसिस के तीन स्टेप पढ़े अगर मैं लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हटा दूं अगर आप बोलोगे कि सर हमें हमारे स्कूल में लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन वर्ड यूज ही नहीं किया हमारे कोचिंग में लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन वर्ड यूज ही नहीं किया लेकिन आपने बोर्ड्स निकालने के लिए तीन पॉइंट में फोटोसिंथेसिस पढ़े पहला फोटोसिंथेसिस के पहले स्टेप में क्या होता है अब्सॉर्बिंग वो आ, आपका क्या होता है द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब्स द Light ये आपने. First step is what? The और तीसरा स्टेप पढ़ा है क्या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन द्रोमा ऑफ यही तीन स्टेप है और यही तीन स्टेप आगे भी है यही तीन स्टेप आगे भी है यही तो है भैया आपके लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन पहले दो स्टेप कम्बाइन ऑफ लाइट रिएक्शन और तीसरा स्टेप किसका होता है आपका डार्क रिएक्शन का होता है ठीक है डार्क रिएक्शन कहां पे होता है स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन कहां पे होता है बच्चों कहा के अंदर में होता है एक क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के लिए फटाफट -फड़ से अटेम्प्ट करेंगे कनेक्ट द बबल्स आपको बबल कनेक्ट करने हैं विद द ऑप्शंस दैट होल्ड ट्रू फॉर इट कम ऑन गाइस क्विकली क्विकली आंसर करेंगे आपको सिंपल बताना है ये क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल किसके साथ मैचअप कर रहा है जल्दी जल्दी करके यू हैव टू टेल दिस क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल इज मोलिक्यूलिंग विध हुम चले आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ठीक है लेट अस सीक आउट द आंसर तो क्लोरोप्लास्ट क्या सिंगल मेंब्रेन है नहीं ये कैसा होता है डबल मेंब्रेन तो डबल मेंब्रेन के साथ मार्क कर देते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर में स्ट्रोमा होता है स्ट्रोमा प्रेजेंट यस स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है क्या उसके अंदर में ग्रैनम होता है ग्रैनम इज प्रेजेंट यस ग्रैनम इज प्रेजेंट तो क्या इस ये करेक्ट आंसर है हम अपनी से पूछ लेते हैं राइट ठीक है दिस इज योर करेक्ट आंसर सो क्लोरोप्लास्ट हैज 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 अ अ डबल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन स्ट्रोमा बाउंड बाय इनर द प्रेजेंस ऑफ ग्रैन सिंपल एज दैट आगे बढ़ जाते हैं ठीक so, है सो एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर गिट द किचन ऑफ द प्लांट सेल आपको बताना है इन तीन स्ट्रक्चर में से विच इज द किचन ऑफ द प्लांट सेल ठीक है तीन डायग्राम दिख रहे हैं और आपको बताना है कि क्या ये हमारा ए डायग्राम ये बी डायग्राम या सी डायग्राम में से कौन सा है किचन ऑफ द सेल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट ये, क्लोरोप्लास, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारा न्यूक्लियस विथ ईआर है ठीक है तो आपको सबको पता है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए ये हमारा क्लोरोप्लास्ट होगा करेक्ट आंसर यस एब्सोल्युटली राइट ठीक है सो यही चीज यहां पे लिखी हुई ये आपका क्या है द क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बुलाते हैं बच्चों किचन ऑफ द प्लांट सेल बुलाते हैं सिंपल एज दैट लेट्स गो हेड तो नाउ डू यू नो व्हाट क्लोरोफिल इज एंड व्हाई इट इज एसेंशियल पिगमेंट टू कैरी फोटोसिंथेसिस मेन क्वेश्चन क्या है कि ये क्लोरोफिल है क्या और ये क्यों एसेंशियल है तो बेसिकली क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल है जैसे केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी तरीके से क्लोरोफिल के अंदर भी एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर में दो पार्ट्स होते हैं ठीक है हेड एंड आपका एक फाइटोल टेल होता है जो कि क्या करता है करता है एक क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए एक और विच ऑर्गेसिबल फॉर फोटो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एक और क्वेश्चन है फिर हम उस क्वेश्चन का जवाब देंगे जल्दी जल्दी करके बच्चों आंसर करेंगे सभी बच्चे

ठीक है ये सारे कलर्स आते हैं पिगमेंट्स के थ्रू तो बेसिकली आपने आ, आ सेल चैप्टर में प्लास्टिड पढ़ा है ठीक है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूको वो आपका तीन तरीके के प्लास्टिड होते हैं ठीक है आपके तीन तरीके के प्लास्टिड होते हैं प्लास्ट के साथ भी ठीक है तो ये क्या करते हैं बच्चों ये कलर प्रोवाइड करते हैं तो वही चीज यहाँ पे लिखी है

क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तो वही चीज हुआ लाइट एनर्जी को एब्सार्ब किया और कन्वर्ट कर दिया किसमें केमिकल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जिससे हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट हो आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पे होते हैं ये आपके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं सो देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ बेसिकली होते हैं तीन वो आप नीट में पढ़ेंगे तीसरा तो तीन आप दो किस्म के हैं आपके क्लोरोफिल एंड सो क्लोरोफिल के अंदर में वी हैव क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी एंड कैरेटोनॉइट्स के अंदर में क्या है कैरोटीन एंड एंडोफिल क्लोरोफिल बच्चों आपका ग्रीनिश कलर ग्रीन कलर देता है एंड ग्रीनिश कलर देता है और कैरेटोनॉट येलो टू ऑरेंज का कलर देता है ठीक है इट वेरी फ्रॉम येलो टू ऑरेंज का ये कलर का वेरिएशन देता है सिंपली अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में जान लेते हैं अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब्स अ रेड एंड अ ब्लू पोर्शन ऑफ लाइट ये कौन सी लाइट को अब्सॉर्ब करता है क्लोरोफिल इट अब्सॉर्ब्स अ रेड एंड अ ब्लू पोर्शन ऑफ लाइट

अब ये ये जब ये ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करके आपके आई पे पड़ रही है तो आपको सिर्फ ब्लू लाइट ही दिख रही सेम गोज ये ब्लैक ब्लैक क्यों दिखता है? क्युं? ये क्या है सारे रंग को एब्सोर्ब कर रहा है, white, white दिखता है? वो सारे तो बेसिकली क्या कर रहा है, light, light, और करता है ग्रीन लाइट तभी सारे पौधे ग्रीन कलर के दिखते हैं ठीक है इसी वजह से ऑल अपियर ग्रीन इन कलर क्लोरोफिल एबीसीडी बेसिकली होता है बैक्टीरिय क्लोरोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स ठीक है अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल हैं इन हायर प्लांट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर द मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ठीक है तो मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं कौन कौन से बच्चों आपके क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए अपीयर्स लाइट और ब्लू ग्रीन इन कलर याद रखिएगा ये कलर ठीक है क्लोरोफिल ए का कलर क्या है बच्चों ब्लू ग्रीन कलर होता है वेयर एज क्लोरोफिल बी अपीयर्स येलो ग्रीन इन कलर ठीक है ये थोड़ा सा येलो ग्रीन इन कलर प्रेजेंट होते हैं अब हम इसका स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल देख लेते हैं नाउ दिस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल लुक्स लाइक दिस ठीक है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है तो आप देख सकते हैं सेंटर में क्या है बच्चों मैग्नीशियम आयन सेंटर में क्या है बच्चे आपके मैग्नीशियम आयन है और फोर रिंग्स प्रेजेंट है तो मैं आपको ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एक सिंपल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं तो बेसिकली कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ये एक हो गया पॉर्फ रिंग ये हो गई दूसरी पॉर फायरिंग रिंग तीसरी पॉर फायरिंग रिंग चौथी पॉर फायरिंग रिंग और साथ में क्या होगा बच्चों मैग्नीशियम आयन इन द सेंटर और ये सब आपस में कैसे हैं इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं और ये जुड़े होते हैं मैग्नीशियम आयन से कुछ इस तरीके से बच्चे आपका ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ठीक है कुछ इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फोर रिंग और इस पूरी को पूरे को हम क्या बुलाते हैं टेल बुलाते हैं ठीक है फाइटॉल की टेल है और इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों हेड तभी हम क्या बोलते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल इज जस्ट लाइक वॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल को हम क्या बुलाते हैं बच्चों इट इज कॉल्ड एज द टैड पोल स्ट्रक्चर जैसे आपका टैडपोल प्रेजेंट होता है उस तरीके का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सिंपल फॉर्म में ठीक है दिस इज हाउ अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लुक्स लाइक ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों सेंटर में क्या है आपके मैग्नीशियम आयन है ये सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर और ये क्या है पूरी की पूरी इसकी फाइटॉल टेल प्रेजेंट होती है यहां पे ठीक है सो द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट फॉर रिंग इट मेक्स द हेड पोर्शन ऑफ द क्लोरोफिल ये हो गया बच्चे आपका हेड पोर्शन सेंट्रल इट विच सेंट्रल मैग्नीशियम एटम सराउंडेड बाय अ नाइट्रोजन कंपाउंड ए

B, pigments, तो इन सब को हम क्या बुलाते हैं, बच्चों, बुलाते हैं देखो, अब क्या होता है मूवी के अंदर में अगर आप सब लोग मूवी देखते हो तो बेसिकली क्या होता है देर इज ऑलवेज वन विन एक विलन होता है फिर उसके क्या होते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड ठीक है right फिर उसके चमचे मतलब बहुत सारे गुंडे होते हैं ठीक है थीके? लेकिन मूवी में एक ही होता है जयकान

वो सारे पैसे दे देते और सबसे पहले किसकी पिटाई होती सबसे पहले क्या जयकांत शिकरे की पिटाई होती है, पिटाई होती है इस मूवी में नहीं ना सबसे पहले सिंगम क्या करता है पहले आसपास के चुन्नू मुन्नुओं को पीटता है फिर जाता है एंड में सेम गोज ओवर हियर तो यहां पे भी यही काम हो रहा है तो बेसिकली जो यहां पे हीरो जो है यहाँ पे जो विलन है विलन मान रहे हैं ठीक है थीके? तो ये जो विलन है वो कौन सा है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है अब उसके क्या है बच्चे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट लेग राइट लेग मतलब सारे उसके चुनु उसके सराउंडिंग में अब इन सारे इन सब को हम क्या बुला रहे हैं? बच्चो, इन सब को हम क्या बुलाएंगे बच्चों पिगमेंट्स बुलाते हैं सिंपल एज दैट वी आर गोइंग टू कॉल ऑल ऑफ दी पिगमेंट्स इनका काम क्या है फोटो ऑक्सीडेशन मतलब इनको विलन से बचाना है इनको क्या करना है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को जो कि क्या है प्राइमरी पिगमेंट है ये देखो ये क्या है बच्चों आपका मेन पिगमेंट है ए मॉलिक्यूल और इन सब को हम क्या बलाएंगे? एसेसरी मॉलिक्यूल इन सब का काम क्या है प्रोटेक्ट करना किसको क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करना कैसे करेंगे अपनी जान देखें

कैरोटीन मॉलिक्यूल का होता है क्यों क्योंकि जितना ज़्यादा हाई कंसेंट्रेशन उतना सनलाइट से प्रोटेक्शन so, इंपैक्ट आपका क्या करता है रेड कलर लाल कलर का टमाटर होता है लिकोपिन की वजह से येलो कलर होता है की से. और ऑरेंज कलर होता है बीटा कैरोटीन की वजह से ठीक है अलग अलग पिगमेंट्स का अलग अलग रोल होता है ठीक है अब स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं ब्लू एंड रेड रीजन तो बेसिकली ये क्या बच्चों अलग अलग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के साथ ठीक है थीके? ये अलग अलग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के साथ है जैसे कि ये ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दिस ब्लू कलर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ठीक तो है? है, तो है, तो है कितना ऑक्सीजन कैसे हो रहा है ये इसके ऊपर बेस्ट काम किया था किसने एंजलमेंट ठीक है एंजेलमैन के बारे में और जानना है तो आप मेरी लास्ट क्लास देख लीजिएगा उसमें मैंने पूरा एंजलमेन का एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था तो बेसिकली दिस इज एन ऑक्सीजन ग्राफ अब इस ग्राफ को उठा के आप क्लोरोफिल वाले ग्राफ क्लोरोफिल के साथ मैच करोगे, तो जाके क्या हो जाता है रेट ऑफ बी स्टडीड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व ठीक है अमाउंट so, ऑफ कितना ऑक्सीजन इवॉल्व रहा है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो आराम से पता कर सकते हो आगे बढ़ जाते हैं सो so,

ड्रैक द कलर ऑफ द पिगमेंट फ्रॉम द ऑप्शन टू द रिस्पेक्टिव पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए का क्या कलर होता है क्लोरोफिल बी का क्या कलर होता है जैनोफिल का क्या कलर होता है अभी बताया था मैंने अभी बताया था बच्चों क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का क्या कलर होता है सिंपल एज दैट क्विकली गाइस ए नीड यूर आंसर सो अगर हम देखें तो क्लोरोफिल ए का क्या अगर हम देखें क्या ब्लू ग्रीन भाई साहब इधर आ जाओ येलो ग्रीन इधर येलो भाई साहब इधर येलो ग्रीन इधर सबमिट करके देखते हैं क्या ये सही आंसर है एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है तो क्लोरोफिल ए का कलर क्या होता है ब्लू ग्रीन होता है क्लोरोफिल बी का कलर होता है येलो ग्रीन होता है एंड जैंथोफिल का कलर क्या है येलो तक होता है मतलब ब्लू से लेके ग्रीन तक का येलो से लेके ग्रीन तक का होता है इनका कलर ठीक है अब एक और क्वेश्चन है सिलेक्ट द ग्राफ इज रिप्रेजेंट द एक्शन स्पेक्ट्रम इसमें से एक प्रेजेंट करें और बताएं एक्शन स्पेक्ट्रम कौन सा है एक ग्राफ को बताएं ग्राफ ए या ग्राफ बी विच एक्शन स्पेक्ट्रम ठीक है एक एक्शन स्पेक्ट्रम है एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप बताएं इन दोनों ग्राफ में से कौन सा एक्शन स्पेक्ट्रम है एंड कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है जल्दी जल्दी करके गाइस सो ऑप्शन नंबर ए ये वाला क्या है बच्चों आपका एक्शन स्पेक्ट्रम है सबमिट करके देखें एब्सोल्युटली करेक्ट दिस इज अवर एक्शन स्पेक्ट्रम ठीक है ये ही है बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम जिसके अंदर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं ठीक है वी जनरली टॉक अबाउट द ऑक्सीजन सो डू यू नो वेयर द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस एक छोटा सा क्वेश्चन अभी बताया था वैसे लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू द मेम्ब्रेन ठीक है तो इतने खूबसूरत से प्लांट के अंदर में प्लांट के अंदर में कहां पे होती है लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस एक और क्वेश्चन है इसमें से कौन सा एसेसरी पिगमेंट नहीं है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी कैरोटीन एंड जैंथोफिल फटाफट फड़ से सही बच्चे आंसर करेंगे इज़ नॉट एन एसेसरी पिगमेंट एसेसरी पिगमेंट इसमें से कौन सा नहीं है मतलब मेन ये सब बाकी तो वो हो गए ना साइड हीरो ये तो मेन हीरोमेंट है क्लोरोफिल ए क्या है बच्चों यही तो जयकान चिक्रे हैं मूवी का इसको हम साइड हीरो थोड़ी ना दे देंगे साइड विलन थोड़ी ना बोलेंगे सो so, इसमें से एसेसरी पिगमेंट कौन नहीं है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल नहीं क्लोरोफिल एंड कैरोनॉइड्स आर द टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ए बी सी डी ई कैटेनोइड कैरोटीन एंड जैंथोफिल ठीक है तो क्लोरोफिल बी जैंथोफिल एंड कैरोटीन्स आर कॉल्ड एज द एसे पिगमेंट्स इनको हम क्या बुलाते हैं बच्चों एसेसरी पिगमेंट बुलाते हैं ठीक है तो बस आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे बच्चों ठीक है वी विल फिनिश दिस क्लास क्लास ओवर ओनली अगली में आपको लाइट रिएक्शन डिटेल में पढ़ाने वाला हूं तो अगली क्लास से पहले अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जस्ट गो अहेड एंड डाउनलोड द इम ऐप एप सिलेक्ट द चैप्टर एंड डू द क्वेश्चन ठीक है मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में तब तक के लिए क्या करता रहना है बच्चों पढ़ते रहना है तो मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान खान एंड कीप बाइबिंग बाय बाय बच्चों Keep imbibing. We believe in you.